हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन, हेल्दी सो वंस अगेन वेलकम टू माय चलादम टेक। मेरे दोस्त सब खैरियत होंगे, फिट फाट होंगे। तो बारिश कभी भी हो सकती है, इसलिए छाता मेरे साथ ही है। तो आज हम वीडियो की तरफ आते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि पैकिंग के बारे में आपने क्या क्या लेके आना है इंग्लैंड में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपने साथ जितना हो सके भाई ट्रैक सूट लेके आइएगा। अभी देख सकते हैं, शाहजी दिखाएं जरा, बल्कि मैं ऊपर जाता हूँ। ये देखें, ट्रैक सूट पहन के आया हूँ। कहीं भी आपको यानी मेरी पैंट शर्ट नहीं नज़र आ रही। तो यूके में यह है कि ट्रैक सूट चलते हैं, क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आपको अब देख लें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही हैं, जगह जगह ब्रिज आ जाते हैं, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी गर्मी आ जाती है। यार उसका तो कभी भी मतलब यूके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो यहाँ का वेदर है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको ट्रैक सूट ही सूट करते हैं। और आपको पता ही है, यहाँ पे आप काम करने आ रहे हैं, स्टडी करने, तो आप आ नहीं रहे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्टडी तो कोई करते ही नहीं, सारे काम करते हैं। तो भाई काम के लिए आप पैंट शर्ट नहीं पहनेंगे, आपको ट्रैक सूट ही चाहिए। तो मुझसे बड़ी बड़ी गलती हुई थी, मैं 4 ट्रैक सूट लेके आया, मैंने कहा बहुत है इतने, लेकिन अब यहाँ का पता चला यहाँ पे सब हर टाइम ही ट्रैक सूट पहनना है। तो ये भी भाई वेयर होता है यहाँ पे, दिखाओ शाह यार आइकिया का। तो इधर ये ट्रैम स्टेशन है, दिखाओ ये भी। तो यहाँ से भाई ट्रैम गुजरती है। तो यही मैं आपको कह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रैक सूट लेके आना है वहाँ से, क्योंकि काम पे जाएंगे ट्रैक सूट पहन के जाएंगे। और आप सिक्योरिटी करना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं, तो अपने साथ एक शर्ट लेके आइएगा फुल बाजुओं वाली, साथ आप अपनी ब्लैक जो है पैंट लेके आएँ, ताकि आप सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे बन सकें। अगर आप सिक्योरिटी करना चाहते हैं तो यूनिफॉर्म वहाँ से लेके आएँ। मैं भी अपने सिक्योरिटी गार्ड का जो मेरा यूनिफॉर्म था पाकिस्तान से लेके आया था, क्योंकि यहाँ पर आके अफोर्ड नहीं कर सकते आप जब आप नए नए आते हैं, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होते और आपने पाउंड्स में लेने होते हैं कपड़े, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस तरह। तो अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से ले आएंगे कपड़े, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी स्टार्टिंग में। सिक्योरिटी का आप ड्रेस ले आएंगे तो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो साथ अपना ऊपर से स्वेटर भी लें पहनने के लिए, और मैं साथ रिकमेंड करूँगा कि 2 जैकेट्स ले आएँ, जैकेट्स लेदर की, ठीक है? तो 5 ट्रैक सूट होने चाहिए, 2 लेदर की जैकेट्स होनी चाहिए, ब्लैक या ब्राउन जो भी आपको अच्छी लगती है। उसके बाद मैक्सिमम 2 शूज़ लेके आए अपने साथ, अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड 2 शूज़ मैक्सिमम, बल्कि मिनिमम 2 शूज़ लेके आए, ठीक है? यहाँ पे तो आप आके शूज़ भी नहीं अफोर्ड कर सकते, बहुत महंगे हैं। अब तभी अफोर्ड करेंगे जब आप कमाने लग जाएंगे। तो जब मैं यूके में आया था तो मेरे हालात इस तरह नहीं थे कि मैं कोई शूज़ अफोर्ड कर सकूँ, लेकिन अब यहाँ पे काम करके अभी इतना बैंक बैलेंस बना लिया गया, अब यहाँ पे हम नाइकी भी अफोर्ड कर सकते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं भाई ट्रैक सूट ये पहने हुए हैं, ये भी ब्रांड के और मैंने यहीं से लिए थे। तो ये जो जिस रेट पर मैंने ये लिया है पाकिस्तान या इंडिया से, मैं ये 5-6 ले सकता था इस रेट में। तो ट्रैक सूट लेके आइएगा, काम पर आपने करना है, और यूनिवर्सिटी भी आप ट्रैक सूट ही पहन के जा सकते हैं। जितने भी मैं स्टूडेंट्स देखता हूँ ट्रैक सूट ही पहन के आते हैं, और अपने साथ शॉर्ट्स लेके आएंगे गर्मियों में पहनने के लिए। तो कपड़ों का मैंने आपको बता दिया आपने ये कपड़े लेके आने हैं। अब बात आ जाए बर्तनों की, ठीक है? तो बर्तन वगैरह मैं आपको रिकमेंड हल्की से नहीं करूँगा, बर्तन की आपको ज़रूरत नहीं है। आप डिस्पोजेबल भी स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में, अगर आपके पास इतना लगेज है कि आप ला सकते हैं। तो मैं इसलिए उन लोगों को नहीं रिकमेंड कर रहा जिनके मतलब के जो लिमिट है वो एक्सीड हो चुकी है, तो वो बर्तन चाहे ना लाएँ। बर्तन का यहाँ पर इतना कुछ मसला नहीं है, यहाँ सस्ते बर्तन मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपनी शॉप्स भी हैं, और बर्तन का भाई ऐसा यहाँ पे कोई मसला नहीं। तो जब आप यहाँ पे आते हैं यूके में, आप डिस्पोजेबल बर्तन लेने सस्ते हैं, यहाँ पे डिस्पोजेबल होते हैं, आप उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग डेज में, उन्हीं को साफ़ कर लिया दोबारा यूज़ कर लिया, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं अपनी बात करूँ, मैं बर्तन लाया था कि नहीं था लाया, तो भाई मेरे घर में पहले ही बर्तन मौजूद थे, जिस घर में मैं रह रहा हूँ वहाँ पर पहले ही बर्तन थे, हर चीज़ वहाँ पर पहले ही मौजूद थी, ओवन हर चीज़ वहाँ पर थी। तो मैं अपने साथ कोई चीज़ नहीं था लाया बर्तनों की। अगर आपका फिर भी दिल करता है बर्तन लाने का, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक प्लेट ले आएँ, कप ले आएँ, और इसी तरह की चीज़ें ले हैं। लेकिन मैं जहाज़ में ये ख़तरा होता है ना, वो टूट सकती हैं, आपका नुकसान होगा। तो बाय द वे अगर आप ला सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप प्लास्टिक के बर्तन ले हैं वो नहीं टूटेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कपड़ों का भी बता दिया, बर्तनों का भी बता दिया, और ब्यूटी हाँ दवाइयाँ अपने साथ साथ लेके आएगा। यहाँ पर दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, ठीक है? अपनी पैनाडोल जो भी पैरासीटामोल वगैरह वहाँ से लेके आएगा, यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है, और दवाइयाँ लेके आनी आपने। और बात कर लीजिए कॉस्मेटिक्स की, आपने स्प्रे वगैरह, तो भाई बॉडी स्प्रे ले आइएगा, यहाँ पे बहुत महंगी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि भाई जो पाउंड का रेट है 370 पाकिस्तानी रुपए का, तो यहाँ पे आप आते आसानी अफोर्ड कर सकते जब तक आप 5-6 महीने कमा नहीं लेते, ठीक है? तो ये थी आज की मेरी वीडियो, मैंने आपको बता दिया आपने पैकिंग में क्या क्या लेके आना है। और कैश की बात कर लीजिए, तो भाई कैश तो लेके आना, तो मिनिमम यार 1000 पाउंड तो लेके आए। तो भाई अभी के लिए इतना, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।